नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ रितिका अग्रवाल। श्री करणपुर से हमारे संवाददाता जीवन सिंह राजपूत ने बताया कि श्री गंगानगर के श्री करणपुर वार्ड नंबर 1 व 2 में शराब ठेका खुलने से वार्ड वासियों में भारी आक्रोश। श्री करणपुर प्रशासन व आबकारी विभाग की अनदेखी के चलते वार्ड नंबर 1 व 2 में शराब ठेके के विरोध में वार्ड वासियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने के दूसरे दिन कुंदन सिंह, गुरचरण सिंह धरने पर बैठे वार्ड वासियों का आरोप है कि इस धरने पर अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने वार्ड वासियों का साथ नहीं दिया है। उक्त धरना एडवोकेट रोशन राठौड़ की अगुवाई में चल रहा है। धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि इस शराब ठेके से वार्ड की महिलाओं को व छोटे छोटे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस शराब के ठेके को शीघ्र वहां से नहीं हटाया गया तो आबकारी विभाग के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आपने जो धरना लगाया है, इसके क्या कारण है? देखिए सर, हम लगातार 2 माह से यहां जो शराब ठेका खुलने जा रहा है उसकी परमिशन रद्द करवाने की मांग को लेकर DO गंगानगर और CI आबकारी श्री कर्णपुर और उपखंड महोदय को हमने बार बार प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन इस मैटर पर हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आखिर आप इस जो शराब ठेका यहाँ खुलने वाला है, इसको हटाना क्यों चाहते हैं यहाँ से, क्या कारण है? देखिए, अगर हम यहाँ शराब ठेका इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि अगर यहाँ शराब ठेका आता है तो इस वार्ड का जो शांतिप्रिय माहौल है वो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इस वार्ड के अंदर बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है और पास ही एक स्कूल भी है लड़कियों का, और साथ में क्या है, ये दलित बस्ती है। जो आबकारी विभाग के जो नियम कानून हैं उनके अनुसार यहाँ पे शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, बस हम उसी का विरोध कर रहे हैं जी। जो इस समस्या है ये आपकी जो बनी हुई है, इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों का अवगत कराया होगा, उन्होंने क्या कहा? हमने बार बार उच्चाधिकारियों को इस मामले में अवगत करवाया है, लेकिन उच्चाधिकारियों ने इस मामले के अंदर हमेशा लीपापोती की है और उसके अलावा उन्होंने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। मजबूरन हमें ये जो धरना है आज से शुरू करना पड़ा।